नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस स्टॉक 61 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 1.5% का डाउन मूव दिया है। 1.53% का मार्केट कैप हो गया इसकी 43,196 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 86.50, बुक वैल्यू है इसकी 2350 एंड फेस वैल्यू है इसकी 10। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक बैंक है एंड इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो जो होगी उसमें फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी हम बात कर लें मोटा मोटा तो ये स्टॉक 50 and 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई की बात करें तो पी मीडियम से भी अभी नीचे है, जो अगेन एक अच्छी बात है। एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड काफी नीट इसका चार्ट है। यहाँ पे सेल्स इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे शॉर्टकट में अभी बात कर लें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में भी नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप देखा गया है, रेवेन्यू में भी जंप देखा गया है, इंटरेस्ट में भी जंप देखा गया है एंड कंपैरेटिवली एक्सपेंसेस जो है वो कम हुए हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो आया है 390 आया है, 268 पिछले क्वार्टर में था एंड अभी 390 आया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे रेंज का लगा है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर लगा है आरएसआई का। ठीक है, तो अभी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रेंज से निकलने के बाद काफी ज्यादा भाग चुका है। पहले भी भाग ही रहा था, एक रेंज से निकला फिर रेंज बनाई फिर उसके बाद ये भागा। सो जो हम यहाँ पिकासो बने हैं न्यू जो लोग हैं उनको बता दूं कि यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये लाइन्स हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा तगड़े तरीके का सपोर्ट है स्ट्रांग वाला एंड ये अभी इसको रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है एंड यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बना लिया छोटा सा। बट फिर भी मैं इसी सपोर्ट को लेके चलूंगी क्योंकि कोई पता नहीं होता, छोटा मोटा हो जाता है। एंड जैसे कि आपको बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कभी भी एक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, हमेशा एक रेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है, ये वाली रिजेक्शन लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। एंड अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम देखिए ड्राई अप होता जा रहा है डे बाय डे। जो कल वॉल्यूम आया था वो आया था 43 मिलियन के आसपास एंड आज जो वॉल्यूम आया 26 मिलियन के आसपास आया है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाता है। तो मतलब 3 करोड़ के आसपास आज देख लेते हैं एंड कल जो आया था वो 5 करोड़ के आसपास देख लेते हैं, तो काफी ज्यादा वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। तो इसकी वजह से अगर एंट्री की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार इसका बीएससी पे चीजें। तो देखिए प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड न्यूज अभी यहाँ पे कोई है नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में कोई भी फर्क डाले। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ड्राई हो रहा है एंड इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए काफी अच्छा वॉल्यूम चाहिए रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलर्स काफी हावी होते हुए दिखाई दिए हैं पर इसने यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट कर लिया हुआ है अपना। ठीक है, तो अभी एंट्री की बात करें तो देखिए जब तक ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता तो मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री तो कभी भी नहीं बनाऊंगी यहाँ पे। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो देखिए स्टॉक अभी मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड 20% का तो चलो बैंड है इसका, पर अभी न्यूज ऐसी कोई है नहीं कि एकदम से 20% भाग जाए एंड वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम एक बार आए इसमें कुछ बने माहौल तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म एंट्री इज एनी टाइम इज गुड टाइम। बट एक इन्फॉर्मेशन आपको और जरूर देना चाहूंगी कि बैंक के स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं एंड एक हमेशा एक सिनेरियो देखा गया है कि जब बैंक के स्टॉक्स भागते हैं तो आईटी नीचे जाता है और जब आईटी के स्टॉक्स भागते हैं तो बैंक नीचे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आईटी के टाइम भी आ चुका है अब भागने का, तो वो भी एक सिनेरियो नजर में रख के चले आप कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस आएगी तो इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब ये 85 के टारगेट दे सकता है। बट कोई बड़ी बात भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं भागेगा। देखिए धनलक्ष्मी के न्यू टारगेट्स आ चुके हैं धनलक्ष्मी बैंक के, तो हो सकता है कि हाँ ये भी स्टॉक भाग जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ नहीं ही भागेगा, तो वो भी आप चीज लेके चले। एंड अगर किसी ने ऊपर मैंने अगर एंट्री बनाई होती तो मैं इसको एवरेज आउट करके रखती यहाँ पे एंड फिर मैं इसके भागने का इंतजार करती, फिर प्रॉफिट बुक करती या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करती अगर मेरा मतलब मुझे फायदा दिखता तो। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, इसमें कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरी एनालिसिस है एजुकेशन पर्पसेस के लिए। बाकी आप अपने एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।